आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। अब तक अगर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लाना चाहूँगा कि अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ पर। अगर पॉजिटिव केसेज और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेज आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं, और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा, जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनंदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरु और उड़ीपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBF नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोतागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया, और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ कुछ दिखने भी लगे हैं। लेकिन आज फिर भी यह ज़रूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर, उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टाइमली रिस्पॉन्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा पॉजिटिव कन्फर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरिया आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रिस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है, जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेज में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीज़न अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको, अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। हम NSS, NCC, रेड क्रॉस, एक्स आर्मी पर्सन, रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्यतः विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फील्ड लेवल पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सब की वॉलंटियरिंग हेल्प को ले रहे हैं। हम उन सबको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीजन को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बेंगलुरु का वॉर रूम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि स्टेट को कोविड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे रहा है। मैं फिर आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि
भारत में हमने हमेशा एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत काम किया है. इंस्टेड ऑफ कि वायरस इज चेजिंग अस एंड वी रिएक्टिंग टू इट, हमारा फोकस हमेशा से सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस मैनेजमेंट के माध्यम से वायरस को एक्टिवली चेज करने का रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बिहेवियरल चेंज और सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी लाइफ में समाहित करें और हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाएं. चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इंडिया हैज़ टू वर्क हार्ड एंड इमर्ज सक्सेसफुल आउट ऑफ इट. धन्यवाद.